दोस्तों, मीठे चावल को पीले चावल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे जर्दा पुलाव के भी नाम से जानते हैं। ये अक्सर शुभ अवसरों पे, स्पेशली वसंत पंचमी, सरस्वती पूजन और गुरु पूर्णिमा वाले दिन बनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि आज के दिन आप सभी के साथ ये सिंपल इजी रेसिपी शेयर करनी चाहिए। मेनली प्रॉब्लम होती है कि इसे आसानी से कैसे बनाया जाए। बिरयानी की तरीके से अलग से चावल उबाल के तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज मैं आप सभी को ये रेसिपी कुकर में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी, ताकि आपके भी ये मीठे चावल 5 से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए बनाना शुरू करते हैं, और कुकर में भी एकदम खिले खिले बनेंगे। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसी वीडियो में हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए बनाना सीखते हैं, और खाने में बेहद स्वाद है। तो सबसे पहले आपको एक कुकर में 1 चम्मच के जितना घी लेना है। आप घी ज़्यादा लोगे तो टेस्ट और अच्छा आएगा, लेकिन जब 1 चम्मच घी में काम चल सकता है तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि हम चीनी भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के जितना देसी घी लिया है। इसमें कटे हुए कुछ मेवे डाले हैं, जिसमें बादाम है, काजू है, 2-2 चम्मच के जितना रफली चॉप करके डाला है। साथ में नारियल है, जिसको मैंने लंबाई में कट किया है। नारियल ज़रूरी है, अगर है आपके पास तो ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा सॉटे करेंगे, आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 हरी इलायची हल्की सी क्रश कर ली है, और 2 लौंग डाली है। इसको भी भून लेंगे। अगर आपको लौंग का टेस्ट ना अच्छा लगता हो तो आप निकाल भी, उस वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, लौंग ना डालें, बाकी चीज़ें डाल दें। थोड़ी सी किशमिश डालेंगे, 2 चम्मच के जितना, और इसे भी भून लेंगे। जब किशमिश थोड़ी सी फूलने लगे तो उसके बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। इसमें मैंने पिस्ता भी डाल दिया, पहले से काट के रखा था। पिस्ता बहुत जल्दी कलर चेंज करता है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में डाला। बस इतना ही भूनना है। आप देख सकते हैं मैंने घी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। ये दोस्तों 1 कटोरी के जितना बासमती चावल है। आप कोई से भी छोटे दाने के भी चावल ले सकते हैं। उसे मैंने धो लिया था और पानी में करीबन 15 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दिया था। डालने से पहले मैंने पानी छान दिया और वापस से एक बार धो लिया है। चावल डाल देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे मेवों के साथ। एक तरीके का ये मीठा पुलाव होता है दोस्तों, और शुभ अवसरों पर ज़रूर बनता है। वैसे तो आप इसे हर बृहस्पतिवार को या होली में, दिवाली में, कभी भी अच्छा मौका है आप बना सकते हैं। बहुत ही फटाफट वाली रेसिपी है, एक तरीके की स्वीट डिश है। अगर 1 कटोरी चावल लिया है आपने तो 2 कटोरी के जितना इसमें पानी डालें। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, और 1 कटोरी के जितना मैंने चीनी डाल दिया। तो 1 कटोरी चावल के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी यूज़ किया। आप चाहें तो दूध में भी पका सकते हैं, बट मैं सिंपली पानी में करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं केसर डाली हूँ। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप पीला रंग भी डाल सकते हैं खाने वाला, लेकिन केसर का ही मेन फ्लेवर होता है। हल्दी डालने पे वो फ्लेवर नहीं आएगा। बाकी आप जुगाड़ के लिए डाल सकते हैं पीला रंग देने के लिए। जैसे मैंने 2 कप के जितना इसमें पानी डाला, अगर 1 कप चावल यूज़ कर रही हूँ। आप इसे 1 कप पानी और 1 कप दूध के साथ भी पका सकते हो, अगर दूध में पकाना चाहते हो। अब इसको कुकर में पकाने की ट्रिक ये होती है दोस्तों, कि आपको इसको पहली सीटी हाई फ्लेम पे दिला देनी है, फिर उसके बाद फ्लेम को धीमा कर देना, और बैक टू बैक आपको 2 से 3 सीटियां दिलानी है। क्योंकि इसमें हमने चीनी डाली है ना, ये मीठे चावल हैं तो पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसीलिए मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। आप खोल के चेक भी कर लें, अगर आपके चावल ठीक से नहीं पके हैं तो आप थोड़ा सा पानी और डाल के इसे पका सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं होगी, अगर मैंने जितना अंदाज़ा आपको बताया है आप उस हिसाब से बनाते हो तो। फिर जब प्रेशर निकल जाए इसे खोले, ये नीचे से हल्के से चिपकेंगे चीनी की वजह से, बट कोई बात नहीं, खाने में बहुत ही स्वाद होते हैं। अच्छे से एक बार मिला ले। ये बन गए हमारे चावल के मीठे पुलाव, या फिर मीठे चावल जर्दा पुलाव, आप जिस भी नाम से जानते हो। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया, कोई मैंने मतलब इस तरीके का नहीं बताया कि अलग से चावल उबालना है फिर मेवों के साथ भूनना है। सिंपली एक ही बार में बन जाएगा आपका, ट्राई करके देखेगा। और ट्राई करने के बाद मुझे बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपके घर में सबको ये डिश कैसी लगी। तो इस अवसर पर जब भी कोई अच्छा मौका पड़े आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं। ऐसे ही मौक़ों पे मैंने, जैसे मीठे रोट बनते हैं हनुमान जी के लिए, या प्रसाद में और भी चीज़ें जो चढ़ती हैं, पंजीर हो गया, चरणामृत हो गया, इन सब चीज़ों की रेसिपी, प्रसाद की रेसिपी ऑलरेडी शेयर करके रखी। अगर आपको वो सारी रेसिपीज़ देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी हाथ से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं हो। मैं मिलती हूँ
एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप कुकिंग।